बेटा मेंडल का जो रूल था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें उसने ये एक्सप्लेन किया था कि F1 हाइब्रिड में जो डोमिनेंट करेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जो रिसेसिव करेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो रिसेसिव करेक्टर कब एक्सप्रेस करता है, वो F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। लेकिन मेंडल का ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसका एक्सेप्शन मैंने आपको पढ़ाया था, कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन में जब दोनों पेरेंट ना दिखाई पड़ के एक नया फिनोटाइप दिखाई पड़ता है तब उसे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और भी नाम है, लोग इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ साथ ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये देखिए इसे हम लोग ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी कहते हैं, एक नाम इसका नाम ब्लेंडेड इनहेरिटेंस है, या इसी का एक नाम है मोजैक इनहेरिटेंस। अगर आप देखें तो इसी का एक नाम है जिसे हम लोग मोजैक इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब इसके दो तीन नाम है और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 जनरेशन में, जैसे आपने पहले देखा था मेंडेलियन जेनेटिक्स में कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट पेरेंट दिखाई पड़ता है, रिसेसिव नहीं दिखाई पड़ता है, यहाँ पर F1 जनरेशन में न डोमिनेंट दिखाई पड़ेगा न रिसेसिव दिखाई पड़ेगा बल्कि एक नया फिनोटाइप दिखाई पड़ता है इस केस में। तो अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे व्हेन बोथ पेरेंट्स Expressed in F1 hybrid in intermediate condition। मतलब दोनों पेरेंट नहीं दिखाई पड़ते हैं बल्कि एक नया कॉम्बिनेशन आता है इंटरमीडिएट कंडीशन, देन दिस इज कॉल्ड, ये देखें, देन दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये देखें आप इस को ऐसे सीख सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले हम आपको इसका बेसिक सिखाते हैं फिर डिटेल सिखाते हैं। मतलब पहले आप ये समझें कि जब F1 जनरेशन में ना पेरेंट दोनों पेरेंट ना दिखाई कर पड़ के एक नया इनहेरिटेंस एक नया पेरेंट दिखाई पड़ता है, एक नया करेक्टर दिखाई पड़ता है, तब हम उसे F1 हम उसे कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। देखिए मैंने एक कमेंट लिखा है कि जब F1 हाइब्रिड में दोनों पेरेंट्स ना दिखाई पड़ के दोनों इंटरमीडिएट कंडीशन दिखाई पड़ते हैं, मतलब दोनों नहीं दिखाई पड़ते हैं बल्कि एक नया फिनोटाइप दिखाई पड़ता है, तब हम उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसकी डिस्कवरी जो थी, ये देखिए डिस्कवर्ड बाय, इसका जो कॉन्सेप्ट था ये जो डिस्कवर्ड बाय, इसे जो खोजा था डिस्कवर्ड बाय, ये साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल कॉरेंस। ये देखिए कार्ल कॉरेंस ने ये स्टडी 1901 में की, 1901 पे की, इन फ्लावर्स ऑफ मिराबिलिस जलापा। ये देखिए फ्लावर ऑफ मिराबिलिस जलापा, ये प्लांट है मिराबिलिस जलापा, इसके फ्लावर में इन्होंने सबसे पहले देखा मिराबिलिस जलापा, ये फ्लावर है इसके फ्लावर में देखा, इसे हम लोग 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च का जो काम किया इस फिनोमिना को जिसने डिस्कवर किया उनका नाम था कार्ल कॉरेंस, जिन्होंने सबसे पहले इसकी रिसर्च इसकी जानकारी मिराबिलिस जलापा पे की। इसके सिवा और भी इसके एग्जाम्पल्स NCERT में पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो है जिसपे बाद में खोजा गया वो देखिए इसका नाम है एंटीराइनम के फ्लावर में देखा गया, एंटीराइनम हो गया, या इसी को हम लोग स्नेप ड्रैगन कहते हैं या इसी को लोग डॉग फ्लावर कहते हैं, ये अलग अलग है, इसके भी फ्लावर में इसे देखा गया। इसका जो तीसरा कलर है एग्जाम्पल वो है फेदर कलर इन एंडलसियन फाउल। ये देखिए एंडलसियन फाउल, ये एक और जिसका एग्जाम्पल है जिसमें आप इसको देख सकते हैं। तो ये तीन एग्जाम्पल है जिसकी जिक्र करनी है, जिसमें ये इन दोनों इनका जिक्र NCERT ने किया है। मतलब मेरे अगले जलापा के फ्लावर पे भी आपको दिख सकता है, एंटीराइनम या जिसका नाम स्नेप ड्रैगन है या डॉग फ्लावर है उसमें भी आप इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं, और ये देखिए फेदर कलर इन इंटेंशन फाउल इसमें भी आपको देखने को ये मिल सकता है।
इसका मतलब क्या हुआ सबसे पहले समझ लें, कार्ल पर्स ने सबसे पहले मेरे विलेज जलापे में खोजा। आइए इस फिलोमिना को हम लोग बोर्ड पे समझते हैं, तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगर हम इसका एग्जांपल ये वाला देखें, एग्जांपल देखें, फ्लावर कलर इन एंटीराइनम, ये देखिए एंटीराइनम जिसका नाम जो है डॉग फ्लावर है या जिसका नाम स्नेप ड्रैगन है, उसमें हम लोग सबसे पहले से देखते हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें दो तरह के इसके फ्लावर जो हैं, एक फ्लावर है जिसे हम कहते हैं कि सर ये रेड कलर का है, रेड कलर का फ्लावर है, ये देखिए। दूसरा फ्लावर है एनसीईआरटी के हिसाब से ये व्हाइट कलर का फ्लावर है, ये देखिए। तो एक फ्लावर है जो रेड कलर का है, दूसरा फ्लावर है जो व्हाइट कलर का है। अगर आप इससे यहाँ पर आप चाहे लिखते हैं सर ये पेरेंट है, ये देखिए ये इसका क्या है बेटा, ये पेरेंट है। मतलब एंटीराइनम का दो फ्लावर है, एक रेड कलर का है एक व्हाइट कलर का है। जो रेड कलर का है उसको कैपिटल आर से हमने एक्सप्रेस किया है, जो व्हाइट कलर का है उसे हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। जनरली हम लोग जब कैपिटल स्मॉल लेटर लिखते हैं तो कैपिटल लेटर का मतलब डोमिनेंट होता है, रेसेसिव मतलब स्मॉल लेटर का मतलब रेसेसिव होता है, लेकिन यहाँ पर कोई डोमिनेंट रेसेसिव नहीं है। आप ये देखिए इस कैपिटल आर वाले पेरेंट से, ये जो पहला पेरेंट है इससे गैमिट बनेगा एक वाला जिसे हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे गैमिट बनेगा स्मॉल आर का। तो ये देखिए गैमिट दो बनेंगे, दो तरह के अलग गैमिट दोनों पेरेंट्स बनेंगे। अब ये देखिए इसका क्रॉस होगा, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, और ये देखिए पहली जनरेशन आ गई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसे हम लोग F1 हाइब्रिड कहते हैं। अब मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से या तो इसमें रेड कलर दिखाई पड़े या व्हाइट कलर दिखाई पड़े, लेकिन मैं आपको बताऊं ना यहाँ रेड दिखाई पड़ता है ना यहाँ व्हाइट दिखाई पड़ता है, बल्कि यहाँ पर एक नया फिनोटाइप आता है, ये जो फ्लावर F1 जनरेशन का है ये पिंक कलर का दिखाई पड़ता है। तो बताइए यहाँ पर लॉर्ड डोमिनेंस फॉलो होता है या नहीं फॉलो होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं फॉलो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडेलियन जेनेटिक्स का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से या तो यहाँ पर F1 हाइब्रिड रेड दिखाई पड़ता या व्हाइट कलर दिखाई पड़ता, लेकिन यहाँ पर ना रेड दिखाई पड़ा ना व्हाइट दिखाई पड़ा बल्कि पिंक कलर दिखाई पड़ा। F1 हाइब्रिड में नया फिनोटाइप आया है, आप ये बात समझिए। तो आपने इसीलिए डेफिनेशन लिखी है कि F1 हाइब्रिड में जब दोनों पेरेंट्स इंटरमीडिएट कंडीशन दिखाई पड़ते हैं, इंटरमीडिएट कंडीशन मतलब रेड व्हाइट के बीच का जो इंटरमीडिएट कंडीशन है वो पिंक है। अगर आप इस पिंक फ्लावर की सेल्फिंग कर देते हैं, अब आप देखें अगर आप इसकी सेल्फिंग कर दें मतलब इसका सेल्फ क्रॉस करा दें, तो इसका पुनेट के स्क्वायर मेथड के हिसाब से चार्ट आप ऐसे बना दीजिए। ये देखिए आपने यहाँ पर चार्ट ऐसे बना दिया, इस तरह से आपने यहाँ पर यह बनाया भाई ये हमारा क्रॉस है जिसे हम लोगों को देखना है, यहाँ पर आपने इसे बना दिया, ये देखिए आपने मेल बनाया, ये क्या बनाया फीमेल बनाया। इसका एक पेरेंट कैपिटल आर स्मॉल आर वाला है मेल, एक पेरेंट कैपिटल आर स्मॉल वाला है क्योंकि आपने क्रॉस कराया है। ये मोनो हाइब्रिड है, इससे मैं अगर आपसे पूछूं गैमिट कितने तरह बनेंगे तो आप कहेंगे सर इससे दो तरह के गैमिट बनेंगे, एक गैमिट बनेगा कैपिटल आर का, दूसरा गैमिट बनेगा स्मॉल आर का। शायद इसके साथ भी यही होगा, यहाँ पर भी कैपिटल आर बनेगा यहाँ भी स्मॉल आर बनेगा। क्रॉस देखिए कैपिटल आर ये इसका पहला आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ देखें कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ देखें स्मॉल आर, ये चार तरह बनेगा। तो अगर कैपिटल आर कैपिटल की बात आर की बात कर रहे हैं तो ये किस कलर का होगा, ये रेड कलर का होगा, किस कलर का होगा ये रेड कलर का होगा, बोलिए हाँ सर ये रेड कलर का होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर है ये किस कलर का होगा, आप लिख सकते हैं सर ये पिंक कलर का होगा, ये देखिए ये किस कलर का होगा, ये देखिए आप ये पिंक कलर का होगा, और ये कैसा होगा जो स्मॉल आर वाला है ये व्हाइट कलर का होगा। तो आप बताइए गैमिट की मिक्सिंग हुई या नहीं हुई, आप बोलेंगे नहीं हुई, क्योंकि अगर गैमिट की ब्लेंडिंग हो जाती तो यहाँ पर व्हाइट कलर नहीं दिखाई पड़ता। F2 जनरेशन में सारे कैसे दिखाई पड़ते, F2 जनरेशन में सब या तो पिंक रेड दिखाई पड़ते या तो व्हाइट दिखाई पड़ते या पिंक दिखाई पड़ते, लेकिन यहाँ पर रेड व्हाइट पिंक दोनों दिखाई पड़ा। तो अगर आप इसका F2
मोनोहाइब्रिड रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो देखें, F2 मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो देखें। ये देखिए, अगर आप ये रेशियो देखें, मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो देखें, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें रेड कितना है, तो आप कहेंगे सर इसमें रेड जो है एक है। इसमें पिंक कितना है, आप कहेंगे सर इसमें पिंक दो है। इसमें व्हाइट कितना है, आप कहेंगे सर इसमें व्हाइट एक है। इस तरह से इसका जो फिनोटिपिक रेशियो आया है वो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रास के अपोजिट आया है। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो क्रास कितना आता था, 3:1। यहाँ पर रेशियो क्या है, 1:2:1। लेकिन अगर आप इसका यहां पर अगर आप इसका F2 जीनोटिपिक रेशियो देखें, तो ये देखिए F2 जीनोटिपिक रेशियो अगर आप देख रहे हैं तो 1/4 R है, 2/4 मतलब 4 में 2 है जो कैपिटल R स्मॉल R है, 1/4 ऐसे हैं जो स्मॉल R स्मॉल R है। इस तरह से इसका रेशियो देखिए 1:2:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन में जो क्रास है, चाहे वो जीनोटिपिक है चाहे फिनोटिपिक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सेम होता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर इस फिनोमिना का क्या है, तो करेक्टरिस्टिक फीचर अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या है, देखिए F2 फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे F2 फिनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। यहाँ पर F2 मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो ये देखिए जीनोटिपिक रेशियो भी क्या है, अगर आप देखें तो है 1:2:1। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसका मोनोहाइब्रिड मतलब हम एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करा रहे हैं, F2 जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इज कितना बेटा, 1:2:1। मैं अगर आपसे पूछूं ये मेंडेलियन जेनेटिक्स में डॉप डोमिनेंस में F2 फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का क्या था, तो 1:2:1 नहीं था, वो 3:1 था। लेकिन यहाँ पर रेशियो क्या आया है, 1:2:1 आया है। इसका मतलब यह हुआ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो पेरेंट है, जो दोनों पेरेंट है, वो इंटरमीडिएट कंडीशन दिखाई पड़ रहे हैं या F1 हाइब्रिड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि दोनों का इंटरमीडिएट कंडीशन दिखाई पड़ रही है F1 हाइब्रिड में, और इसी कारण से हम इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब दोनों जो पेरेंट्स जो हैं वो F1 हाइब्रिड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये पहला एग्जांपल हो गया जिसे मैंने पढ़ाया आपको फ्लावर कलर इन एंटीराइनम में। एंटीराइनम मतलब स्नैपड्रैगन में। स्नैपड्रैगन का दूसरा नाम क्या है, डॉग फ्लावर है। आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। दूसरा एग्जाम्पल जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा फेदर कलर इन एंडलसियन फाउल, मतलब एक खास तरह की ये पंख के कलर है एंडलसियन फाउल में, मतलब फाउल मतलब आप समझ रहे हैं फीमेल कॉक को कहते हैं, जो फीमेल मुर्गी होती है उसे हम लोग काउ फाउल कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखिए तो एक फाउल है जो ब्लैक कलर की है, ये देखिए ये पहला फाउल है जो किस कलर की है, ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर्ड फाउल फेदर्स है, ये पहली हो गई। दूसरी जो है वो व्हाइट कलर मतलब फेदर्स है, ये देखिए व्हाइट कलर फेदर्स है, ये व्हाइट कलर फेदर्स है, मतलब एक में फेदर्स जो है वो ब्लैक कलर के हैं और एक में फेदर्स जो है वो व्हाइट कलर के हैं। मतलब आप ऐसे भी सिंपली सोचे कि एक फेदर है, एक फाउल है जिसमें ब्लैक कलर के फेदर्स हैं और एक है जिसमें व्हाइट कलर के फेदर्स हैं। ये पेरेंट्स है, ये देखिए ये पेरेंट्स है ये। अब आपने यहाँ पर क्या किया है, अगर आप समझ में आए, आपको ये बात समझ में आ रही है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि आप यहाँ पर फेदर के कलर को देख रहे हैं। तो अगर आप इसमें पेरेंट्स में देखते हैं तो इसमें जो पहला गैमेट बनता है वो कैपिटल बी बनता है, यहाँ पर ये डब्ल्यू बनता है। आप लिख सकते हैं सर ये गैमेट है, ये देखिए ये गैमेट है। आपने जब इसका क्रॉस कराया तो ये देखिए कैपिटल बी और डब्ल्यू बना।
नियम के हिसाब से, मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से, ये जो ब्लैक कलर है यहाँ पर ब्लैक आना चाहिए, या तो ब्लैक और व्हाइट में कोई एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन आना चाहिए, लेकिन यहाँ ब्लैक व्हाइट ना आके ये F1 हाइब्रिड जो है, जिसे आप F1 हाइब्रिड कह रहे हैं, ये F1 हाइब्रिड हेटरोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर ब्लू कलर में आ रहा है, मतलब जो इससे जो यहाँ पर फाउल बन रही है उसमें ब्लू कलर के फिगर्स दिख रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो किस कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, कोई डोमिनेंट दिख रहा है, रिसेसिव दिख रहा है, या इंटरमीडिएट कंडीशन दिख रहा है? आप कहेंगे सर ना यहाँ ब्लैक दिख रहा है, ना यहाँ पर व्हाइट दिख रहा है, बल्कि एक नया फेनोटाइप आ रहा है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो ब्लू कलर का फीदर है। अब अगर आप इसकी सेल्फिंग कर दें, सेल्फिंग मतलब ब्लू कलर वाले फाउल से ही ब्लू कलर की जो है आप ब्रीडिंग करा दें, तो इसका चार्ट कैसे बनेगा? आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे चार्ट बना लें ताकि ये आपको ये बात समझ में आ जाए। ये देखिए आपने फटाफट खींचा कि सर आप इसका चार्ट बनाना चाहते थे, ऐसे बना लें आप इस तरह से, ये देखिए। तो अगर आप यहां पर देखें आप इस जगह पे, तो एक पेरेंट इसका कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू हो गया मेल वाला, और फीमेल वाला भी वही सेम होगा कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू। इससे दो तरह गैमेट बनेंगे, एक बनेगा बी और एक डब्ल्यू, इससे भी एक दो तरह गैमेट बनेंगे बी और डब्ल्यू का। अगर आप इसका क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने के बाद स्थिति क्या है, देखिए पहला आता है कैपिटल बी और कैपिटल बी, तो कैपिटल बी कैपिटल बी लिखा तो आप कहेंगे सर ये ब्लैक कलर की होगी, बोलिए हाँ सर बिल्कुल सही है। दूसरा कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू है, बोलिए किस कलर की होगी, ये ब्लू कलर की होगी। यहाँ पर देखें ये कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू है, ये भी किस कलर की होगी, ये भी ब्लू कलर की होगी। और ये देखिए ये कैपिटल डी कैपिटल डब्ल्यू है, ये किस कलर की होगी, व्हाइट कलर की होगी। ये कौन सी जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। तो अगर आप F2 जनरेशन में रिजल्ट देखें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, अगर आप इसका रिजल्ट देखें, रिजल्ट अगर आप देखें इस तरह से, तो आप देखें F2 मोनोहाइब्रिड, F2 मोनोहाइब्रिड, ये देखिए फीनोटिपिक रेशियो, F2 मोनोहाइब्रिड फीनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है। तो अगर आप F2 मोनोहाइब्रिड फीनोटिपिक रेशियो देखें, तो पहला तीन तरह की यहाँ फीनोटाइप अगर आप देख रहे हैं, एक ब्लैक आ रहा है, ब्लू आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, तो आप तीनों लिख दें कि सर यहाँ पर फीनोटाइप तीन तरह के हैं, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, ये देखिए, और तीसरा व्हाइट है। तो ब्लैक कितना है अगर आप देखें, तो ये ब्लैक है 1, ब्लू कितना है 2, व्हाइट कितना है 1। अब आप सोचिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो क्या आता है, 3:1 आता है, लेकिन यहाँ पर फेनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या रहा है, 1:2:1 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें F2 मोनोहाइब्रिड, ये देखिए जीनोटिपिक रेशियो अगर आप देख रहे हैं, तो ये जो रेशियो है इस रेशियो में अगर आप देखें तो 1/4 है कैपिटल बी, 2/4 है मतलब 4 में 2 है ये, और 1/4 है ये देखिए ये, इस तरह से ये जो रेशियो आ रहा है ये 1:2:1 आ रहा है। अगर आप देखें तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में सिमिलर है, और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का करेक्टरिस्टिक फीचर है, हम एक बात और लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं कि देखिए F1 हाइब्रिड हैज न्यू फिनोटाइप। ये एक पहली बात हमें नई मिलने समझने सीखने के लिए, ये F1 हाइब्रिड हैज न्यू फिनोटाइप, देखिए लिखा हुआ है पेरेंटल नहीं बल्कि नया फिनोटाइप आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस से मतलब ये हुआ कि दोनों की क्वांटिटी के आधार पर यहाँ पर करेक्टर शो कर रहा है। ये देखिए एक बात और देखिए, नो ब्लेंडिंग ऑफ गैमेट्स लिख सकते हैं, गैमेट्स की यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हुई है, अगर मिक्सिंग हुई होती तो फिर आपको दोबारा जो है व्हाइट या ब्लू कलर में दिखाई पड़ता, सारे के सारे कलर कैसे दिखाई पड़ते, ब्लू कलर के दिखाई पड़ते। इस तरह से आप देखें तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का रूल है, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये जो है एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है, एक्सेप्शन है। ये देखिए
तो ये कॉन्सेप्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जिसमें एफ वन हाइब्रिड में पेरेंट्स जो है इंटरमीडिएट कंडीशन में दिखाई पड़ते हैं। आपको ये बात सीखनी है, ये एक तरह का जो है एलीलिक इंटरेक्शन है। ऐसा इंटरेक्शन एलीलिक इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ, एक ही जीन के दो एलील के बीच में ये इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग एलीलिक इंटरेक्शन में रख रहे हैं। आपको ये बात सीखनी है, मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स 1900 के बाद कार्ल करेंस के इस डिस्कवरी के बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन आया। कार्ल करेंस ने मेरे लिए जलापा पे रिसर्च की और फ्लावर कलर को देख के बताया कि एफ1 हाइब्रिड में पेरेंट के कॉम्बिनेशन में दिखाई कि नए कॉम्बिनेशन आया, नया फिनोटाइप आया, और नया फिनोटाइप का कोई अलग से जीन नहीं है। यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि ये जो न्यू फिनोटाइप है, एफ1 हाइब्रिड हैज न्यू फिनोटाइप, इसका कोई जीन नहीं है कि पिंक कलर का या ब्लू कलर का कोई जीन है। तो फिर क्या है, ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। जैसे कलर्स को डालते हैं तो उसे एक नया करेक्टर आता है, नया कलर आता है, सेम उसी तरह से जीन के क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के कारण ये आता है। ह्यूमन में जो हम लोग सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हैं उसमें भी आपको ये कंडीशन दिखाई पड़ती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई पड़ता है।